हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड हटा करके नया बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड चेंज करना। जैसा कि आप यहां पे फोटो में देख रहे हैं कि इस बैकग्राउंड में काफी कुछ जो है दिख रहा है, लेकिन हमने जो नया बैकग्राउंड लगाया वो काफी देखने में लुक आ रहा है। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल व पीसी से करना अगर हमें है तो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। इसकी जरूरत हमें काफी ज्यादा पड़ती है, जो है किसी भी प्रकार की फोटो का हमें बैकग्राउंड हटा करके कुछ नया बैकग्राउंड करना हो, या व्हाट्सएप या फेसबुक किसी पे भी शेयर करना हो, इंस्टाग्राम या आपको कहीं भी बनाना हो कुछ भी, तो आपको इस तरह की जरूरत पड़ती है जो है। तो चलिए मैं आपको ये बहुत ही आसानी तरीके से बताता हूँ कैसे करेंगे आप लोग जो है। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं RIT चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप लोग इसे डिसलाइक करिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी चीज का जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो, आपके पास जैसा भी फोटो हो उस फोटो को आपको क्या करना है, अपलोड करना। अपलोड करने के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले वेबसाइट का नाम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे remove.bg ये वाली वेबसाइट आपको नोट रखना है। ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में। remove.bg इसको ओपन करने के बाद में क्या करेंगे आप लोग जो है, सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रोसेस पूरा करके दिखाता हूँ। मैंने इसे ओपन कर लिया, अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आप अपने जो भी फोटो लेनी है उस फोटो को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेंगे इस चीज को। देखिए ये प्रोसेस लोड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फोटो है ओरिजिनल हमारी, और ये हमारी बैकग्राउंड फोटो है जिसकी बैकग्राउंड अब रिमूव हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। देखिए यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है पूरी तरीके से। अब आपको करना क्या है, इस फोटो का बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। तो देखिए हमारे पास यहां पे एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे एडिट पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारा प्रोसेस आपको आ जाएगा। यहां पे डिटेल्स में थोड़ा सा आपको दिखाते हैं छोटा करके। देखिए आपके पास बहुत सारे स्टाइल दिया हुआ है यहां पे बैकग्राउंड का, जैसा कि मैंने यहां पे ले लिया एक बैकग्राउंड का। तो यहां पे ये लोड हो रहा है, इसका बैकग्राउंड देखिए कुछ ऐसा आएगा। मुझे वाला बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा तो मैं दूसरा बैकग्राउंड इसमें चूज कर लूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये। अगर आपको फोटो को रोटेट करना है तो आप फोटो रोटेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रोटेट कर सकते हैं, पिछला ला सकते हैं इसमें। इसको आप थोड़ा जूम छोटा कर सकते हैं, जूम आउट और कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं अपने आप से इसको फोटो को। इसमें काफी कुछ बैकग्राउंड उपलब्ध है, जैसा बैकग्राउंड आप लेंगे वैसे ही यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाई पड़ेगा। ये भी एक बैकग्राउंड है, ये भी एक बैकग्राउंड आप यहाँ पे देखें, इसमें भी। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बैकग्राउंड्स दिए हुए, आप कोई भी बैकग्राउंड में फोटो में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फोटो में भी कुछ और एडिटिंग करना सीखना है तो कमेंट्स हमें जरूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए अभी के अभी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको अगले में बताऊंगा वीडियो को इमेज को एडिट करना। यहाँ पे एडिटिंग की जरूरत पड़ती है अगर है आपको तो कुछ आप एडिटिंग भी कर सकते हैं फोटो के अकॉर्डिंग, जो है अपने हिसाब से बैकग्राउंड चेंज करना, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग।